कि अनजान हूँ, पकड़ के मेरा हाथ ले चलो। सुनिएगा सुनिएगा भैया, अनजान हूँ पकड़ के मेरा हाथ ले चलो, अनजान हूँ पकड़ के मेरा हाथ ले चलो, कोचिया को जाने वालों मुझे साथ ले चलो, कोचिया को जाने वालों मुझे साथ ले चलो, अनजान हूँ पकड़ के मेरा हाथ ले चलो, कोचिया को जाने वालों मुझे साथ ले चलो। नहीं बोलिएगा यार, नहीं बोलिएगा, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। शायरी बहुत अच्छी हो रही थी, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह, कह दीजिए यार। हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई, भाई अगर किसी के बारे में, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इधर से बटन दबता है, मैं सिर्फ कंप्यूटर काम करता हूँ, उंगली किसी और की, उंगली पे उंगली जो रखा जाएगा बटन पे, उस उंगली का कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। अगर किसी का नंबर नहीं आया तो आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक शेर, उसके बाद आवाज देता हूँ शायर इस्लाम को। इलाही डाल दे खुशियां मलाल से पहले। अब्दुल समी भी आप दुआ दीजिएगा। मौलाना शहाबुद्दीन सकाफी साहब बहुत पढ़े लिखे लर्नर है, इंग्लिश बोलते हैं तो शेक्सपियर के नाना को पसीना आता है। सुनिए, बहुत अच्छा बोलते हैं। इलाही डाल दे खुशियां मलाल से पहले, इलाही डाल दे खुशियां मलाल से पहले, मदीना देख लो इंतकाल से पहले, मदीना देख लो मैं इंतकाल से पहले। अच्छा बेटा, दस दस रुपये दे रहा है, ये मेरा है कि किसी और का? अच्छा बच्चा दे रहा है, ए बढ़िया नहीं खेला तो बोलिए ना सुभान अल्लाह यार। देखिए तबीयत लगेगी तो शेर बहुत आया जाएगा, और नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कह दीजिए या रसूलल्लाह। एक शेर मौला शाहबुद्दीन साहब किस शेर ने मुझे शोहरत की बुलंदी पे पहुंचा दिया। मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता, मैं बन के खाक हवा में बिखर गया होता, या रसूलल्लाह तुम्हारी याद न होती तो मर गया होता, 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 मैं खाक बन के हवा में बिखर गया होता, या रसूलल्लाह तुम्हारी याद न होती तो मर गया होता। अब पलट आया जो सूरज तो इसमें हैरत क्या, पलट आया जो सूरज तो इसमें हैरत क्या, वो चाहते तो जमी पे उतर गया होता, वो चाहते तो जमी पे उतर गया होता, वो चाहते। इसमें शेर बहुत है लेकिन पढ़ूंगा नहीं, दूसरे लोग कहेंगे कल्चर साहब हरी हरी घास मिल रही है तो बढ़े जाए। मुझे वो नोट नहीं चाहिए, मुझे नोट वाला चाहिए। अच्छी पकड़ा भाई, मुझे नोट नहीं चाहिए। अगर सैया भैले कुतवाल तो डर का है, इसलिए तैयार रहिए। मैं चाहता हूँ कि सब लोग हैं, इधर से फिर बटन दब गया है, आप पहले ही से दबा दिया गया है, तो जाने से पहले मुझे किसको बुलाना है, तो मैं हुक्म का भाई गुलाम हूँ, आवाज देता हूँ मैं। भारत की वो जानी पहचानी आवाज, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सदबार अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में बड़ी तेजी के साथ सिख के राय दुर्मक के साथ ये शहजादा सफर कर रहा है, जो मोहताज तारुक नहीं, रूही गजा देने के लिए रूहे बस जाने जल था। अरे यार ए तस्बीह के दाना भैया, पहले उलमा को दीजिए, बाद इनको दीजिए, चलिए इनको दीजिए, पहले इमाम को फिर बाद में मुक्तदी को, पहले मुक्तदा को बाद में मुक्तदी को। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक ऐसा शहजादा जो पूरे मुल्क में नात पढ़ता है और अपने बाप की तारीफ नहीं, रसूल पाक की तारीफ। उसी शहजादे से मुलाकात कीजिए।